ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा। बरसी है जो परमात्म बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उस मेरा मन करूं। ओम शांति। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तो रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके न कोई। रख आंख तू ऐसी अंदर, ललकार सके न कोई। जाको राखे साहिया, मार सके न कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी न होई। जितने हो अंधेरे, एक लौ से डर जाते हैं। उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंधिया। हो जितने हो अंधेरे, अब तो ये मौका है, तू हिम्मत वो दिखला जा। दे जमाना ये तेरी ही मिसाले बंधिया, ऐसा इतिहास रचा ले। इनकार सके न कोई, फौलाद हो तेरे इरादे। ललकार सके न कोई, जाके राखे साहिया, मार सके न कोई। दिन न देखे रात न देखे, ये कदम बरसात न देखे। खलबली तू ऐसी कर दे,
हैरा हो कायनात भी देखे, दिन न देखे रात न देखे, तू खेल जाए सी बाजी, तू खेल जाए सी बाजी, ये के पछाड़ सके न कोई, वो लहू जो तेरी तेरा राजी, ललकार सके न कोई। निगाहे रखा आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के, तू बन जा वो समंदर, कर पार सके न कोई। रख आग तू ऐसी अंदर, ललकार सके न कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होए, जाके राखे साइया, मार सके न कोई। अव्यक्त मुरली 11/6/1971। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाव हिलाना नहीं। पाव कौन से, जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, चाहे पूरी की पूरी सृष्टि क्यों ना हिलाए, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हो। चाहे सृष्टि क्यों ना हिलाए, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हो। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ ही है। सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, विजय हमारी। सारी सृष्टि एक तरफ हिलाने की कोशिश कर रही है, फिर भी सारी सृष्टि से अधिक शक्तिशाली हम हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ ही है। तो हिम्मत वो दिखला दे कि जमाना दे ये तेरी मिसाले बंदिया, ऐसा इतिहास रचा दे इनकार सके न कोई, फौलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके न कोई, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। दिन न देखे रात न देखे, ये कदम बरसात न देखे, खलबली तो ऐसी कर दे, हैरा हो कायनात भी देखे, दिन न देखे रात न देखे, तू खेल जा ऐसी बाजी के पछाड़ सके न कोई, वो लहू जो तेरे तेरा राजी, ललकार सके न कोई। संकल्प को, प्रतिज्ञा को, इरादों को कैसे करना है, शक्तिशाली, फौलाद हो तेरे इरादे, तो खेल जाए सी बाजी के पछाड़ सके ना कोई। संकल्पों में इतनी शक्ति कहां से आती है? संसार की आत्माएं भी प्रतिज्ञाएं करती है, भक्त आत्माएं भी प्रतिज्ञाएं करती है, बड़े बड़े लोग भी प्रतिज्ञाएं करते हैं, परंतु उन संकल्पों में शक्ति हर बार नहीं होती। संकल्पों में शक्ति किस आधार से आती है? स्मृति के आधार से। और प्रतिज्ञा, विल पावर, ये सब जो है, इनमें शक्ति कहां से आती है? किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो, कब प्रतिज्ञा कर रहे हो, किस स्थान पर प्रतिज्ञा कर रहे हो, सिचुएशन कौन सी है, और प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रतिज्ञा में संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति किस आधार से आती है? ब्रह्मचर्य के आधार से, प्यूरिटी के आधार से। अगर प्यूरिटी खंडित हो रही है, ऐसा व्यक्ति प्रतिज्ञा ही बहुत करता है परंतु पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी लीक हो रही है। जहां 0% लीकेज है एनर्जी का, वहां
योगी के शरीर में शास्त्रों में लिखा है एक नाड़ी का विकास होता है, मनोवाला मनोवा नाड़ी। ये कोई वैसी नाड़ी नहीं है जैसे गॉल ब्लैडर में पित्त भरा हुआ है, वैसे ब्रह्मचारी की एक नाड़ी विकसित होती है जिसमें पूरे शरीर में ये नाड़ी फैली हुई है। जब ऊर्जा अंदर ही संग्रहित रह जाती है, लीक नहीं होती, तब वो नाड़ी विकसित होती है, मेधा नाड़ी, जहां योगी का मस्तिष्क स्मृति बहुत शक्तिशाली हो जाती है, उसके संकल्प बहुत पावरफुल हो जाते हैं। जो संकल्प करता है वो सभी संकल्प सिद्ध होते हैं। ये सब कुछ किस आधार पर होता है? ब्रह्मचर्य के आधार पर। और ब्रह्मचर्य बहुत व्यापक है, कोई एक परिभाषा नहीं है उसकी। वो चर्या है, वो किसी एक इंद्रिय का निग्रह नहीं है, वो जीवन शैली है, ब्रह्मचर्य। ब्राह्मी स्थिति में रहना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मांड की जो अवस्था है आत्मा की, उस अवस्था में पुनः रहना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा का जो आचरण था उस आचरण में स्थित रहना अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचर्य। पवित्रता की स्थिति में सारा जीवन बिताना, दिन बिताना, रात बिताना अर्थात वह चर्या जो हमें ब्रह्मा बना दे, वह ब्रह्मचर्य। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाव हिलाना नहीं। सारी सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से भी शक्तिशाली हो। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिवान आपके साथ है। एक तो तुम खुद ही सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारी अपनी पावर बहुत है, और उसके साथ में दूसरी पावर जुड़ी हुई है। संसार के कार्य करने के लिए, संसार के छोटे मोटे कार्य करने के लिए शक्ति लीक भी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से संसार के सारे कार्य कर सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते, ऊंच पद पर भी जा सकते हैं, बॉडी बिल्डर भी बन सकते हैं, शरीर से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु अध्यात्म के जगत में यह तो बहुत ऊंची चढ़ाई है। यहां तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए। सांसारिक चिंतन करने के लिए भी पावर चाहिए, बट विथ लीकेज ऑफ एनर्जी वो हो सकता है। पर यहां तो डबल इंजन चाहिए, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है। ऐसे रास्ते में थोड़ा ऊंचा रास्ता है तो आराम से गाड़ी को स्पीड बढ़ा दो तो चल जाएगी, पर यह ऐसा कोई पहाड़ हो तो कैसे चढ़ेगी गाड़ी? सीधा ऐसा है, ऐसे इसमें गाड़ी को चढ़ाना है। यह है स्पिरिचुअल, यह है चिंतन, यह है मनन, अध्यात्म का चिंतन, अध्यात्म का मनन। पॉलिटिकल चिंतन जो है, संसार का चिंतन जो है, साइंस का चिंतन जो है, वो शायद हो सकता है लीकेज के साथ, पर गाड़ी को इधर चढ़ाना है ऊपर, तो यहां तो जीरो लीकेज चाहिए, डबल इंजन चाहिए, तो ही हो सकता है ये काम। बहुत पावर चाहिए। एक तरफ सृष्टि, दूसरी तरफ हम, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि दो चीजें कंबाइंड हो रही है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आपके साथ ही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कहा जाता है ना, गाड़ी को रोक दिया था, वो कहने लगे उनको, राजा या कोई था, कहानी पूरी हमें पता नहीं, तो तुम करते क्या हो? करते तो कुछ नहीं,
खाते पीते हो बस, पर वो अखंड ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 25 वर्ष तक और फिर विवाह, और एक होता है आजन्म पाल ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य। वो राजा अपनी बग्घी पर बैठा में बैठा है, नीचे आके अपमान करता है दयानंद सरस्वती जी का, और फिर अपनी बग्घी में बैठ जाता है। ये खाली उसको पकड़ लेते, वो बग्घी हिलती नहीं, घोड़े पैर हिलाते रहते हैं। इतनी पावर आ जाती है। सभी शक्तियों का स्रोत ब्रह्मचर्य है। भीतर से व्यक्ति जो हार मान देता है वो किस वजह से, क्योंकि प्यूरिटी की पावर कम है। भीतर से जो हलचल हो जाती है वो क्यों हलचल, प्यूरिटी कम होने की वजह से। तो एक तो प्यूरिटी, और एक चीज चाहिए संकल्प को पूरा करने के लिए, भोजन वो सब आ गया उसमें, और एक चीज चाहिए। हमें संसार के लोगों के बीच में रहकर ये काम करना है जो कि सारे विरोध में है। हमें ऐसा कुछ करना है जो कोई मानता नहीं। क्या झगड़ा करेंगे उनसे, लड़ाई करेंगे उनसे, क्या करना चाहिए? और एक चीज चाहिए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। सहन शक्ति तो बहुत है, सामना करने की शक्ति भी है, सहन शक्ति भी होते हैं, अष्ट शक्तियां है, दिव्य गुण है सारे, सारी धारणाएं हैं। और एक चीज चाहिए, योग, योग भी है, ज्ञान योग धारणा सेवा। सेकंड का अभ्यास तो दिन रात कर रहे हैं। मौन, मौन का तो बहुत फायदा उठा रहे हैं। एक से सारे संबंध जोड़ रखे, सारों से तोड़ तोड़ दिया, इसलिए तो उनको प्रॉब्लम है। युक्ति, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, युक्ति चाहिए। यहाँ युक्ति से काम करना होता है। शादी करो, शादी करो, शादी करो, लड़ाई करोगे क्या? और ही करा देंगे फिर तो। क्या चाहिए, युक्ति चाहिए, युक्ति से काम करना है हर जगह पर। स्मार्ट इंटेलेक्ट, स्मार्ट चाहिए, सिंसियर नहीं, स्मार्ट। जैसे दिखाया है, एक राजा था और उसका भाई था, दोनों की शादी हो गई, दो बहनों से हो गई, पर वो जो दोनों बहनें थी ना, राक्षसी स्वभाव की थी। द विकेड सिस्टर्स, द ईविल सिस्टर्स, दोनों ही एक से खतरनाक थी, एकदम एकदम खूंखार। तो जो भाई था राजा का, उसको कुछ ही दिनों में वो जो उसकी पत्नी थी, उसने उसको मार दिया। जब राजा को यह पता चला कि ऐसा हुआ, तो उसने राजा की जो पत्नी थी उसको सीधा सजा सुना दी, मौत की सजा। और एक दिन इस राजा के घर एक साधु मिलने आता है, तो राजा की जो पत्नी होती है वो उससे बहुत दुर्व्यवहार करती है। तो राजा को ये पता चलता है, तो वो अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार देता है। और तब से उसके मन में ऐसी घृणा उत्पन्न हो जाती है स्त्रियों के प्रति, कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब विकेट राक्षसिनी है। वो देखना भी नहीं चाहता किसी को भी। और तब से वो एक प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं रोज एक शादी करूंगा, और उसी रात शादी होते ही उसको मार दूंगा। क्योंकि इतनी नफरत, मिसोजिनिस्ट, इतनी नफरत हो जाती है कि संसार की सारी स्त्रियां ऐसी ही है, तो और मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। रोज मारने लगता है, एक शादी और उसी रात को मौत के घाट। फिर उसकी शादी
वो राज्य का जो मंत्री है उससे होती है, उसकी बेटी से होती है, और वो इतनी बुद्धिमान होती है, तो वो शादी होती है, वो कमरे में बैठे हुए है, वो कहती है मैं मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। कहता ठीक है जल्दी सुनाओ, और वो कहानी सुनाना चालू करती है, और कहानी वहां पूरी करती है कि सुबह हो जाती है पूरी करते करते, पर कहानी अधूरी छोड़ देती है, और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लाइमैक्स में लाके छोड़ देती है, और फिर कहती है अभी तो आपके सोने का भी टाइम हो गया और आपको राज दरबार भी देखना है, मैं आधी कहानी रात को सुनाऊंगी। वो पर कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो कहता है ठीक है। फिर से रात होती है, फिर से अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है, और आगे बढ़ाते बढ़ाते सुबह हो जाती है और वहीं छोड़ती है क्लाइमैक्स पर, कि अब आगे क्या होगा वो कहती है रात को सुनाऊंगी। फिर तीसरे दिन सेम ऐसा क्लाइमैक्स कि कहानी आगे बढ़ी बढ़ी, और फिर किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रख दिया, किसने हाथ रखा वो कल सुनाऊंगी। फिर दरवाजा खुला और उसमें से अचानक से कौन आ गया वो कल सुनाऊंगी, और करते 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 दिन बीत जाते हैं, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, और फिर राजा को वो प्रिय लगने लगती है। फिर उससे वो जो मारने का रहता है वो कैंसल, और फिर तब उसको समझ में आता है कि संसार की सभी स्त्रियां ऐसी नहीं है, ऑल वुमेन आर नॉट विकेड। तो इसने कौन सा प्रयोग किया यहां पर, युक्ति युक्ति युक्त युक्ति, ऐसा युक्ति होनी चाहिए, एक तो प्यूरिटी और दूसरा युक्ति, उससे हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं। बाकी सारी जो पॉइंट्स बताई वो तो है ही है, पर ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे तीन मुरलियां, 11-6, 18-6 और 22-6। 18-6 की मुरली छोटी है, ठीक है, उसमें हमको स्पिरिचुअल ड्रिल करनी है। कौन कौन सी ड्रिल है उसमें, तुम कौन हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम कौन हो मास्टर नॉलेजफुल, तुम कौन हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ड्रिल कौन सी करनी है, अभी अभी परमधाम, अभी अभी अव्यक्त स्थिति, अभी अभी कर्म, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी आवाज में आना। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल दिन भर करते रहो, जैसे हाथ को हिलाते हो, कर्मेंद्रियों को हिलाते हो, वैसे ये बुद्धि की ड्रिल है, ये अलौकिक ड्रिल है, ये स्पिरिचुअल ड्रिल है। तीन प्रकार की ड्रिल होती है, एक शरीर की ड्रिल जो शरीर को मजबूत बनाती है, एक होती है ब्रेन की ड्रिल अर्थात ब्रेन जिम, ब्रेन ड्रिल, ब्रेन टीजर्स, मेंटल ड्रिल, माइंड ड्रिल, जिसमें माइंड का काम होता है वो माइंड की ड्रिल, और तीसरा है सोल की ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल। तो ये तीनों ही ड्रिल करते रहना है, क्योंकि हमको तीनों ही लेवल पर काम करना है, शरीर के लेवल पर मन को भी शक्तिशाली बनाना है और आत्मा को भी, शरीर मन आत्मा तीन इंजन, तीनों को शक्तिशाली बना दो। शरीर की ड्रिल अर्थात योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जिम जिम्नास्टिक्स रनिंग जॉगिंग कार्डियो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सब कुछ। ये शरीर को फौलाद बना दो, शरीर को शक्तिशाली बना दो, शरीर को इतना निरोगी बना दो, इतना निरोगी बना दो कि हमें जीवन में किसी भी दवाई को लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, कुछ भी हो जाए इतना शरीर निरोगी हो जाए, इतने अपने रहन सहन खान पान सबको इतना पावरफुल बना दो कि कुछ भी लेने की जरूरत ही ना पड़े। शरीर में बीमारियों का एक ही कारण है टॉक्सिन्स, डिटॉक्स द बॉडी, तो कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दूसरा माइंड, माइंड में क्या करते रहना है, मेंटल ड्रिल जिम ब्रेन जिम टीजर्स ब्रेन टीजर्स क्विज, बुद्धि को काम देना है, मन को काम देना है, नए नए काम देना है, जो उसने आज तक किया नहीं ना उसको वो काम दो, कुछ कुछ नई भाषा सीखो,
नई लैंग्वेज सीखना, नई स्किल सीखना, नया कोर्स करते रहना, कुछ ना कुछ उसको देते रहना, नहीं तो वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है। उसमें क्या लग जाती है, जंक लग जाती है उसको, फंगस। मेमोरी जो है ना मसल की तरह है, अगर उसको काम नहीं दो, ये सारी मेमोरी टेक्निक्स जान ली समझ ली और कर कुछ नहीं रहे तो क्या फायदा। रोज करना है, रोज करना है उसको, उसको अप्लाई करना है, याद रखने की कोशिश करनी है, वो 100 के 100 लोकेशंस बीच बीच में याद करना है। ये काम है, मन कहता है नहीं, अभी तक जो मुरलियां पड़ी फिर से बीच में इधर जाओ उधर जाओ, उसको याद करो उसको याद करो, ये सब काम करने के लिए मन मना करता है, पर उसको ये सारे काम देना है। तो मेंटल ड्रिल, और तीसरी है स्पिरिचुअल ड्रिल। स्पिरिचुअल ड्रिल 6 है, आवाज में आना, आवाज से परे जाना, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, शरीर में आना, शरीर से परे जाना, टाइम टाइमलेस, टाइम में आना, टाइम से परे जाना, व्यक्त में आना, अव्यक्त में जाना, होम ड्रेस और ड्यूटी ड्रेस, या ड्यूटी ड्रेस है, इस ड्यूटी ड्रेस से होम ड्रेस में चले जाना, बुद्धि को चलाना, बुद्धि को रोकना, और 7वां मुख को चलाना, मुख को बंद करना 1 सेकंड में। इस यही ये पूरी मुरली इसी पर है, 18 वाली, यही ड्रिल है तुम्हारी, यही मेन अभ्यास है। आवाज से परे जाना तो आ जाता है, पर एक बार मौन हो गए तो फिर इच्छा नहीं होती बोलने की, वो भी नहीं, जब चाहो तब बोलो, जब चाहो तब मुख बंद। अभी अभी कर्म में आ जाओ, अभी अभी 100 लोगों के साथ बात करो, और अभी अभी बिल्कुल चुप, किसी से कोई लेना देना नहीं, फुल स्टॉप। अभी अभी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, पब्लिक सेक्टर में है, हजारों लोगों से संपर्क हो रहा है, और जैसे ही काम पूरा हुआ भीतर चले जाओ अंतर। संडे 70s की मुरली में थे ना, अंतर शब्द, एक तो अंतर देखो इसमें और उसमें, और एक है अंतर, अंतर जाओ, ये 2 अर्थ क्विज में भी था। तो इस मुरली में कोई और मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें ड्रिल है, तो आज सारे दिन भर ये ड्रिल करते रहना है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजे, आवाज आवाज से परे, शरीर शरीर से परे, शरीर को स्थिर कर दो, बिल्कुल ही लेना, आवाज आवाज से परे, शरीर टाइम टाइमलेस, बॉडी बॉडीलेस, टाइम टाइम टाइमलेस, बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, व्यक्त अव्यक्त, मुख चलाना मुख बंद, बुद्धि चलाना बुद्धि बंद, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, ये 7 प्रकार की ड्रिल बीच बीच में बीच बीच में करते ही रहना है, क्योंकि यही मुख्य अभ्यास है। शरीर से बाहर जाना, शरीर में आना, इसका विजुअलाइजेशन करो, जो करना है करो, देखो आत्मा यहां से गई फिर आई, गई फिर आई, गई फिर आई। फिर दूसरी मुरली कौन सी है, 7, 6, 71, 11, 6। तो इसमें हम एक मेथड देखेंगे आज, जिसको कहते हैं 2 कॉलम मेथड। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, अपना जो पेज है बुक का उसको 2 भागों में विभाजित कर देना, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखेंगे, कीवर्ड, और फिर यहां उसका एक्सप्लेनेशन होगा, सेकंड कीवर्ड, फिर एक्सप्लेनेशन, थर्ड कीवर्ड, फिर एक्सप्लेनेशन, फोर्थ कीवर्ड, और फिर उसका विस्तार। ये आज की टेक्निक है, ये सारी टेक्निक्स है नोट्स टेकिंग की टेक्निक, क्योंकि नोट्स निकालने पड़ते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है, वो नोट्स निकालता है, और रोज निकाल ही रहे, भयंकर निकाल रहे, महाभयंकर नोट्स निकाले जा रहे, 5 मिनट के बाद देखो तो 50 मैसेजेस आ जाते, अगले 10 मिनट के बाद देखो तो 200 मैसेजेस, तब तक सुबह सुबह उठ के देखो तो 500, सारे विदेश वाले, दिन रात काम चालू है, इतने मैसेजेस, तो इतने चार्ट तो हमने आज तक नहीं देखे जीवन में, अभी भी आना चालू ही है। बाढ़ की तरह आ रहे हैं, अच्छा बुद्धि बिजी है, व्यर्थ में तो नहीं जा रही है। तो पहली मुरली 18 की, जिसमें केवल ड्रिल करनी है 7 प्रकार की, दूसरी मुरली
11 इसकी हम 10 बातें देखेंगे जो कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तीनों मुरलियां। आधा घंटा कम तो नहीं पढ़ रहा ना, ज्यादा हो रहा है तीन मुरलियों के लिए? आराम से हो जाता है, 25 मिनट में हो जाता है। और उसको फास्ट पढ़ने की आदत बनाए रखनी है। स्पीड रीडिंग सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसमें ये 6 मंकीज भी देखेंगे हम आज। तो 2 कॉलम मेथड में क्या करना है, अपनी नोटबुक, अपनी जो बुक है उसमें 2 कॉलम बनाएंगे। एक में रहेगा कीवर्ड, एक शब्द, और दूसरी तरफ रहेगा उसका विस्तार। पर ये लिखने का काम तुरंत नहीं करना है, पहले स्पीड रीडिंग से मुरली पढ़ना, फिर कीवर्ड्स मार्क करना, ऑल सारी 9 स्टेप्स की स्पीड रीडिंग की होनी चाहिए। आंखें बंद कर लिया, लाइट देखा, शिव बाबा देखा, फिर वो सारे सामान ले लिए, फिर आंखें खोलना, फिर मुरली देखना और फटाफट फटाफट मुरली पढ़ना चालू करना, कीवर्ड्स को मार्क करते जाना पेंसिल से गोल गोल करते हुए। मुरली पूरी हो गई फिर खाली कीवर्ड्स देखते जाना, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर कीवर्ड देख लिए, फिर रिटर्न उल्टा, उल्टे कीवर्ड्स देखना पीछे से आगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, बस मुरली यहां पूरी कर दी, ये फर्स्ट। फिर दूसरी मुरली पर, दूसरी मुरली को पढ़ना, फिर से आंखें बंद, फिर से विजुअलाइज करना थोड़ी देर, और फिर से तुरंत चालू कर देना। कीवर्ड्स 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 क्या क्या थे इसमें? ड्रिल, अलौकिक ड्रिल, बुद्धि की ड्रिल, जैसे कर्मेंद्रियों का उदाहरण वैसे तुम्हें ये ड्रिल करनी है। और कीवर्ड्स क्या थे? मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। बस मुरली पूरी हुई यहां पर। तो एक पैटर्न दिख गया, MMM, एक पैटर्न दिख गया। इंद्रिया, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हो वैसे इसको भी कंट्रोल करो, ये ड्रिल करते रहो। बस यहां मुरली छोड़ दी, फिर आ गए और दूसरी मुरली पर, उसमें भी सेम, फटाफट फटाफट मुरली पढ़ लेना, कीवर्ड्स कीवर्ड्स मार्क करते जाना और फिर कीवर्ड्स को देखना। कई बार कीवर्ड्स हमको पता नहीं चलता ये कीवर्ड है या ये, जो लगे वो कर लेना, सारे ही कीवर्ड्स लगते। जैसे एग्जाम में चारों ही MCQ राइट लगते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। जैसे 4 जुड़वे भाई है, उसमें से पहचानना है कौन है। तो अभी हम लेते हैं सबसे पहली मुरली बाय दिस मेथड। मेथड का नाम क्या है? 2 कॉलम मेथड। तो मुरली सबने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं प्री रीडिंग। जो पहले से पढ़ के आना उसको क्या कहा जाता है? प्री रीडिंग, प्री असेसमेंट। आजकल स्कूलों में यही किया जाता है, जो टीचर आज सिखाने वाले कल सिखाने वाले वो पहले से ही उनको थोड़ी सी आइडिया दी जाती है कि तुमको ये पढ़ाने वाले हैं कल, थोड़ा सा पढ़ के आना उसके बारे में। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, क्लास में अटेंशन ज्यादा रहता है, नहीं तो सीधा पहली बार जो इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं ना, तो वो कहां से जाती है? ऊपर से, कहां से कहां बुद्धि भटकती रहती है। जो हम पहले से पढ़ के है थोड़ा सा, तो हमारा माइंड फोकस्ड रहता है। तो इस मुरली में कुमारियों से मुलाकात है, ये सारी कुमारियां मधुबन आई है। कब आई है? अब थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू ले लो, मुरली कब की है? 71 की, उस समय की मुरली है, उस समय की कुमारियां। कहां चल रही है? हिस्ट्री हॉल में चल रही है। ये हमने देख लिया ऊपर से कि ये वो कालखंड है, उस समय ये चालू था, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी, उस समय सोशल मीडिया वो सब नहीं था, उस समय की वो कुमारियां है, उनके सामने ये मुरली चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने 2 कॉलम मेथड किया है, फर्स्ट पॉइंट, सच्चा रूहानी सेवाधारी, ये है कीवर्ड। और इधर हम क्या लिखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, सच्चा रूहानी सेवाधारी कौन। तो इसमें 3 बातें हैं। सच्चा सेवाधारी वो जो संकल्प से सेवा करे, हर समय सेवा करे और हर स्थान पर सेवा करे। बाबा पूछ रहे हैं कुमारियों से कहां जा रही हो, घर जा रही हो से, तो वहां जाकर ये तो नहीं कि केवल सेवा केंद्र ही सेवा स्थान है, घर सेवा स्थान नहीं है, तो तीनों जगह सेवा होती रही। कौन कौन सी? हर समय होते रहे, हर संकल्प में होते रहे और हर स्थान में सेवा होती रहे। ये तीनों ही स्थानों, तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो, तब कहा जाएगा क्या?
सच्चा सेवाधारी, तुम जहां खड़े हो बस वहां सेवा है। तुम बोलो या ना बोलो, कुछ करो या ना करो, तुम्हारे संकल्प ही सेवा करेंगे, क्योंकि संकल्प कैसे है, शुद्ध है, बहुत निस्वार्थ है। उन संकल्पों में ब्रह्मचर्य की शक्ति समाई हुई है। हर संकल्प में सेवा, हर स्थान में सेवा, हर समय सेवा, हर समय, हर स्थान और हर तीनों ही बातें उसमें आनी चाहिए, संकल्प, स्थान, समय। एस एस एस, हर संकल्प में, हर सेकंड में और हर स्थान में सेवा, ये फर्स्ट पॉइंट। तो ये की वर्ड हमने यहां से उठाया और यहां पर क्या लिखेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन। दूसरा, लाइट हाउस, माइट हाउस। बाबा ने पूछा है कौन हो, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। डेफिनेशन लाइट हाउस माइट हाउस की, लाइट हाउस अर्थात कौन, लेल एच, माइट हाउस लाइट हाउस, लाइट हाउस अर्थात ज्ञान, माइट हाउस अर्थात योग, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तो लाइट हाउस अर्थात जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो, और वो प्रकाश भी कैसा, इमर्ज हो, ज्ञान इमर्ज रहे। उसके लिए क्या करते रहना है, ज्ञान को रिवाइज करते रहना, सुनाते रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, सोचते रहना, उसको अलग अलग युक्तियों से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से। बाबा ने कहा ना उस दिन भी, चिंतन की युक्तियां, ज्ञान को ज्ञान के चिंतन करने की युक्तियां, अलग अलग युक्तियों से। तो तुम कौन हो, लाइट हाउस हो और माइट हाउस, लाइट अर्थात ज्ञान, माइट अर्थात योग, शक्ति। ये है पॉइंट नंबर टू। फिर पॉइंट नंबर थ्री, और आगे बढ़े, आगे क्या है, और श्रृंगार, वेपन। ये दो बातें बताइए, तुम यहां से कैसे जा रहे हो, श्रृंगार करके जा रहे हो, अर्थात ये ब्यूटी पार्लर है और यहां से क्या तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है और तुम जा रहे हो, और क्या दूसरी इसी के साथ जुड़ी हुई अस्त्र शस्त्र के साथ जा रहे हो। तो यहां पे श्रृंगार होकर, यहां से श्रृंगार होकर निकल रही हो और यहां से अस्त्र शस्त्र धारण करके निकलना है, क्योंकि यू आर एट वॉर विथ माया, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ है। निरंतर लड़ाई है, प्रतिपल लड़ाई है, एक एक क्षण लड़ाई चल रही है यहां पर, क्योंकि सारा खेल कहां है, मन में। संकल्प में भी हार ना हो, पास विथ ऑनर की परिभाषा। क्विज का क्वेश्चन है, मास्टर सर्वशक्तिवान आंसर गलत है, पास विथ ऑनर उसका आंसर है। तो सबसे पहला सच्चा सेवाधारी, दूसरा लाइट हाउस माइट हाउस, और तीसरा ये कीवर्ड है श्रृंगार और शस्त्र। तो श्रृंगार करके जा रहे हो, शस्त्र धारण करके जा रहे हो, और शस्त्र निरंतर साथ में चाहिए। हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है ज्ञान, इसके लिए ज्ञान का तो निरंतर निरंतर रिवीजन होती रहे होती रहे होती रहे। उसके बाद में है प्रतिज्ञा, जो हमने अभी अभी बताई, सारी सृष्टि एक तरफ, तुम एक तरफ, सारी सृष्टि तुम्हें हिलाने की कोशिश करे और तुम एक तरफ, फिर भी हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सृष्टि की शक्ति से ज्यादा है, क्योंकि श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान। हो फौलाद तेरे इरादे, ललकार सके न कोई, जितने हुए अंधेरे एक लव से डर जाते, उस लव से तू भी रोशन कर मशाले बन दया, ऐसा इतिहास रचा ले, इनकार सके न कोई, फौलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके न कोई। तो तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट प्रतिज्ञा, और एक और चीज जो आगे करेंगे हम, अपनी प्रतिज्ञा को मेंटल रिवीजन करनी होती है, चैंटिंग करनी होती है, कितनी बार, 21 टाइम्स।
जो भी प्रतिज्ञा करेंगे उसको क्या करना होता है, आंखें बंद करके मन में रिवाइज करना होता है। वो एक प्रतिज्ञा है जो भी हम करेंगे, इसी मुरली में है वो आगे। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा है पास विथ ऑनर्स के लिए। एक तो होता है पास होना, थियरी में पास हो जाना, अर्थात क्लास करा देना, कोर्स करा देना, प्रोग्राम कर लेना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, सेंटर पर लोगों को बुला लेना, मधुबन में कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये सब क्या है? एग्जाम में पास हो जाना, वो सब क्या है? थियरी। प्रैक्टिकल में पास होना अर्थात जीवन में जो परिस्थिति आई है उसमें पास हो जाना। वो फेल और पास, ये परिणाम हमें ज्यादा प्रभावित ना कर सके, उसमें भी स्थिति अचल उड़ोल रहे, तो पास है। अगर पास हो गए लौकिक की पढ़ाई में या अलौकिक की कोई एग्जाम में और बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है, अर्थात फेल। समझ में आ रहा है? अगर फेल हो गए परंतु स्थिति ठीक है, अर्थात पास, क्योंकि ये परीक्षा ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, मन की स्थिति की परीक्षा थी। ये कई बार बताया है। इसके लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम पास हो गए, वो हो सकता है शायद फेल हो गए, और जो फेल हो गए ज्यादा खुशी, ज्यादा ये नहीं, स्थिर है, स्थैर्यम, ठीक है। तो पास विथ ऑनर अर्थात थियरी नहीं, प्रैक्टिकल में पास होना है, लाइफ में जो एग्जाम्स आ रही है उसमें पास होना। फिर उसके बाद में बाबा ने इसके लिए बताया पांच प्रकार के संग दोष है, इससे मुक्त होना है। कौन से संग दोष है वो पांच प्रकार के? अच्छा, और एक टेक्निक है, जब भी इस तरह का कोई क्रम आता है, ठीक है, उसको आपको चेंज करना होता है। जो क्रम दिया है बाबा ने वो उल्टा पुल्टा दे दिया है, उसको सिंपल करना है। संकल्प, बोल, कर्म, ये जो सीक्वेंस है उसको हमेशा बदलना होता है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, अन्न, ये याद रहता है। बाबा ने पहला कौन सा दिया उसमें? पहला संकल्प का ही दिया, फिर दूसरा संबंध को डाल दिया, फिर परिवार, नहीं परिवार उसमें आ गया, सहेली, परिवार सब, फिर अन्न डाल दिया बीच में, और फिर वाणी डाल दिया, और फिर कर्म। ये है भगवान के महावाक्य। मुंजा दिया, हमको लगता है पता नहीं है कौन सी नई बातें आज डाल रहा है, पर नया कुछ भी नहीं है, वही ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। वाइन वही है पर बॉटल नहीं है बस। तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो तो हमें दिस मेथड इज कॉल्ड चंकिंग मेथड। जैसे 10 चीजें याद रखनी है तो हम उसकी तीन तीन का ग्रुप बना ले जो एक जैसी है, हाँ, तो वो, या फिर जिनका एक शब्द से चालू होता है, एक अल्फाबेट से चालू होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। अभी ये हमको पता है, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध और अन्न, ये चार, ये है संग दोष। तो पहला संग दोष कौन सा बताया? संकल्प, अर्थात कौन सा? पहला संग दोष कौन सा है? संकल्प अर्थात माया। माया संकल्पों के रूप में आती है, तो ये है पहला। दूसरा बोल, बोल में आ जाओ तो वाणी। तीसरा है कर्म, जो लास्ट में ले लिया, कर्म में भी संग दोष। फिर उसके बाद में है संबंध, संबंध में कोई भी संबंध अर्थात कुसंग में चले गए, इसमें सहेली का उदाहरण दिया है। और पांचवा अन्न, पांच है, छह नहीं, सॉरी पांच। तो संकल्प का संग दोष अर्थात माया का संग दोष, मतलब मन में संकल्प आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, वहां क्रिया घटित नहीं हुई है पर मन में आकर्षण चालू हो गया है, बस संकल्प ब्रह्मचर्य वहीं खंडित हो गया है। किसी के रूप का चिंतन चल रहा है, अभी उस रूप को देखा भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है, उस रूप का चिंतन चल रहा है केवल मन में, वहीं ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है। अष्टमैथुन का त्याग अर्थात ब्रह्मचर्य। विचार चलने लगे, केवल विचार,
वो जो मनोवा नाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें उत्तेजनाएं वहीं उत्पन्न हो गई। अभी क्रिया तो किया ही नहीं है, क्रिया में तो गए ही नहीं, क्रिया तो बहुत दूर है, केवल सोच रहे हैं बस, सेक्सुअल फैंटसीज। केवल चिंतन, सेल्फ प्लेजर, केवल उसी तल पर है, पर वहीं पर खंडन हो चुका है। मेंटल क्राइम्स, माइंड क्राइम्स कहते हैं इसको। कौन से अपराध है ये? मन के अपराध। इसलिए पुराने जमाने में 25 वर्ष तक कहां रहते थे सारे? आश्रम में, गुरुकुल में, ब्रह्म ज्ञानियों के अनुभव में पलते थे वो। वहां कोई नहीं दिखता था उनको, कोई स्त्री वगैरह कोई नहीं रहता था वहां। आज तो ये है, एकाग्रता के किसी के शरीर, एकाग्रता से किसी के शरीर को देखना ब्रह्मचर्य का खंडन है, क्योंकि फिर उसके रूप का चिंतन चलेगा। तो सबसे पहला संकल्प दोष, दूसरा वाणी दोष, तीसरा कर्म दोष, आदत पड़ता थी। सब लोग वैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करने लगते। योग के समय दोस्ती ऐसे लोगों से कर रखी है जो घूमने जाते हैं, कुछ और करते हैं, खेलते हैं वगैरह, तो हमें भी वही करेंगे हम भी, जिनको बोलते बोलते ही दूसरों का अपमान करने की आदत पड़ी हुई है। कोई पुरुषार्थ करता है, उसके तीव्र पुरुषार्थी को नीचे गिराना, ये सबसे बड़ा पाप है। कोई सोच ही रहा है, संकल्प कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है कि अभी मैं ये करूंगा, और उसको हतोत्साहित कर देना, ये कितना बड़ा पाप है, हिंसा है ये। उस दिन कहा ना, वाणी से ये हिंसा के दो प्रकार, अपने दैविक संस्कारों को दबाना, और दूसरा शब्दों से हिंसा करना किसी की। चौथा अन्न दोष, अन्न का प्रभाव। कल भी हमने एक फूड के बारे में पढ़ा था, क्या अन्न में क्या कर दो, ईश्वरीय संस्कार भर दो, ईश्वरीय स्वरूप में खाओ और उसको पावरफुल बना दो। ये तीन बातें थी कल। फिर उसके बाद में अगला दोष संबंध, सहेली, उनका भी दोष ना हो, उनको खुश करने के लिए खा लिया या कुछ कर लिया, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, किसी को बुरा ना लगे, इसलिए लगने तो बुरा, तोड़ निभाना पड़ता है। तोड़ निभाने के पीछे अपने मोह का पोषण चल रहा है। तोड़ निभाने के पीछे क्या कर रहे हैं? अपने मोह को पोषित कर रहे हैं, अपनी क्रेविंग, अपना मोह। खाने की इच्छा तो हमको भी है, पर खाए कैसे अब? अच्छा, उनको बुरा ना लग जाए इसलिए हमने खा लिया, पर अंदर से इच्छा तो थी ना। तो ये था पांच प्रकार के संघ के दोष। नेक्स्ट हंस, सेवेंथ पॉइंट क्या है? हंस, होली हंस, या होली हंस तो नहीं कहा है, हंस अर्थात उसके दो चीजें हैं, एक तो प्यूरिटी है और दूसरा चुनना। सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या, कंकड़ क्या, मोती क्या, यही तो दिन भर यही तो करना पड़ता है। इसके साथ दोस्ती करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, बात करूं या नहीं करूं, दोस्ती बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, निर्णय। उसके बाद में बाबा की एक आज्ञा है, ये है आज का होमवर्क। कौन सी आज्ञा है? तीन बंदर, तीन के फिर चार हुए, चार के पांच और पांच के है छह। कौन से छह बंदर है? पहला बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरा ना होना। बी गुड, डोंट बी इविल। बुरा ना होना किसी के लिए, अच्छा होना, बुरा ना होना। तो ये क्या है? छह बंदर है। इसमें है कि किसी और में है? इसी में है। हाँ, आप कहीं और तो नहीं चले गए, इसी मुरली में है। ये यही तो विधि है, यही तो आज्ञा है बाबा की। क्या बनने के लिए? हंस बनने के लिए।
अगर हंस बनना है तो ये करो, क्या क्या? बुराना देखना, बुराना सुनना, ना सोचना, ना करना, ना होना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें से? सोचना। ऑप्शन चार करेक्ट। ये अगर ठीक है तो बाकी सब ठीक है। एक होती है अचानक नजर चली जाए, उसको खंडन नहीं कहा जाएगा। एक बार नजर चली गई, एक बार नजर चले जाना शरीर पर, सहज स्वाभाविक, तो ये सहज है, ये नेचुरल। उसको देखा, उसको फिर से देखना, ये है इच्छा। और तीसरी बार फिर पीछे मुड़ के देखना, ये है वासना। सहज दृष्टि चली गई तो चिंतन नहीं चलेगा, आगे बढ़ गए, फिर से देखा, काली थी या गोरी थी, ब्रह्मा कुमारी थी या कोई बाहर की थी, और फिर से तीसरी बार देखना, वो है वासना। तो ये कितनी बार रिपीट करेंगे अभी? 5 बार। कहाँ रिपीट करेंगे? मन में। और फिर 6वीं बार और 7वीं बार उसको अपने दोनों हाथ यहां रख के फिर रिपीट करेंगे, और एक बार यहां रख के फिर रिपीट करेंगे। तो क्या रिपीट करना है? पहला हम रिपीट करेंगे, फिर आप रिपीट करेंगे। आंखें बंद, बुरा ना देखना, मन में रिपीट करो, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरा ना होना। अब इसको मन में 5 बार इसी क्रम से रिपीट करेंगे। स्टार्ट। अभी अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखेंगे और फिर से इसको रिपीट करेंगे मन में। अभी दोनों हाथ इस तरह से, ओम शांति। तो ये 7 बार रिपीट करना है। बुराना देखना, बुराना सुनना, बुराना बोलना, बुराना सोचना, बुराना करना, बुराना होना। इसको मुख से भी बोलना है, फिर धीरे धीरे मन से बोलना है, और कई बार रिपीट करते रहना। तो ये जो हम करेंगे उसका बहुत गहरा असर अंदर जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। और लास्ट दो, एक बार इधर हाथ और एक बार इधर हाथ। तो ये पॉइंट नंबर कितनी थी? 7, 8 वाली थी। फिर उसके बाद में 9वीं पॉइंट, कोमलता और कमाल। बाबा ने कहा कोमलता कब होनी चाहिए? संस्कारों में जब परिवर्तन करना है, जब मोल्ड करना है, तब कोमल। परंतु कर्म में आते समय शक्ति स्वरूप, वहां कोमल नहीं बनना।
वहां तो फौलाद चाहिए, ये बहुत सूक्ष्म है। अगर कोई करेक्शन दे दे तो वहां पर फौलाद नहीं बनना है, वहां पर सीख लो, वहां बालक बन जाओ कि अच्छा ठीक है, कोई समझाए कि ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है, ये तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए, तो सीख लो, भले वो गलत ही क्यों ना हो, पर ठीक है मान लो, उसको खुश कर दो। हाँ एकदम से नहीं काटो, एक तो वो और दूसरा युक्ति, युक्ति और दूसरा है कोमल, कमाल को, कोमलता नहीं चाहिए, क्या चाहिए यहां पर, शक्ति स्वरूप चाहिए। ये हो गया नौवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस मुरली का, अपने को, अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे, अपने को आपे ही ऑफर करो तो ऑफरिंग कहीं जाएगी, गैस के गुब्बारा नहीं बनना, यह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए, यहां अपने में अविनाशी एनर्जी भरनी है, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना है, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना है, क्या करना है, अविनाशी एनर्जी अपने अंदर, अविनाशी एनर्जी भरनी है, परमानेंट एनर्जी। तो यह है लास्ट पॉइंट, तो एक बार रिवाइज करते हैं 10 बातें। सबसे पहली बात देखिए, कुमारियों से मुलाकात कब हो रही है, 71 में हो रही है, कहाँ हो रही है, हिस्ट्री हॉल में हो रही है, सोचो सारी कुमारियां बैठी है और उस कुमारी से एक कुमारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रही है, वो कौन है, मैं। इसमें यह भी कहा कुमारियों को सजना वगैरह वो पसंद आता है, आया है ना उसमें श्रृंगार श्रृंगार, तो वो कुमारी कौन है, मैं ही हूं, कहां बैठी हूं, मैं कुमारी हूं, ये कुमारों के लिए समान है आज, क्या है आज का, मैं कुमारी हूं, कौन सी कुमारी, विकराल कुमारी, भयंकर कुमारी, लाइट हाउस कुमारी, वाइट हाउस कुमारी, सच्ची सेवाधारी कुमारी। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हमारा था, सच्चा सेवाधारी, सच्चा सेवाधारी कहां सेवा करेगा, संकल्प में, स्थान में और हर समय, किसी भी स्थान पर, हर स्थान सेवा स्थान बन जाए, एवरी प्लेस इज सेंटर, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये सोमान कैसा है, मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, जहां मैं खड़ा हूं वह केंद्र है सृष्टि का। तो ये पहला, दूसरा था लाइट हाउस और माइट हाउस, बाबा ने उदाहरण दिया लाइट हाउस का, लाइट हाउस एक ही जगह पर रहता है और क्या करता है, किरणें फैलाता है, जो भटक रहे हैं संसार में उनको राह दिखानी है, तो वो लाइट हाउस माइट हाउस कौन है, मैं, अर्थात ज्ञानी और योगी, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तीसरा पॉइंट था श्रृंगार करके जाना है, यहां से श्रृंगार करके जाओ और फिर कीचड़ में गाय भैंस कहां चली जाती है, वो नहीं होना चाहिए, अपना श्रृंगार देखते रहना है, देखते रहना है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, मुझे कुछ टिप्स दो, कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक बताओ, वो कहता हो जाओ होटल में जाओ, सामने जो होटल है ना, बस स्टैंड के पास एक होटल है, वहां जाता है, तो वहां क्या सीखूंगा मैं, वो जाता है वहां पे और वहां पे इतने सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, इतने सारे टेबल्स रखे हुए हैं, उसमें सीखने का कुछ है ही नहीं, इधर इधर क्यों भेजा मुझे। तो वो जो बेसिन है ना, बेसिन के वहां एक आईना है, तो जो दुकान का जो मालिक है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर में जाके आईना साफ करके आ जाता है, तो यहाँ सीखूं क्या मैं, यही सोचते रहता है। फिर वो तो उसकी नजर अचानक जाती है कि ये आईना बार बार साफ कर रहा है, शायद इसमें कुछ है, वापस आता है। गुरु ने कहा क्या देखा, मैंने कुछ देखा नहीं, बस ये एक चीज देखी। तो गुरु कहते हैं बस यही सीखना है, विचार धूल है, विचार धूल है, मन आईना है, धूल को क्या करते रहना, कब कब करते रहना, बार 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 बार, 7 बार 15 बार 20 बार, जब टाइम मिले तब करते रहो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, श्रृंगार और शस्त्र, अपने शस्त्र साथ में हो। अगला प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा हो, तुम्हारी सारी सृष्टि एक तरफ, सारे तुम्हारे पैर खींच रहे हैं। वो ज्ञान सरोवर में एक चित्र देखा होगा, नाव है उसमें कुछ नीचे रह गए हैं, कुछ उधर है और कोई पीछे खींच रहे है उसका पैर, देखा है क्या, म्यूजियम में जाके देखना, एक चित्र है, वो एक कन्या है, वो उधर पकड़ी हुई है नाव को और पीछे से कोई पैर खींच रहा है उसका, सारी सृष्टि एक तरफ, हम एक तरफ, फिर भी पावरफुल है। अगला, 5 प्रकार के संगदोष, संकल्प बोल कर्म अने पास विथ ऑनर, पास विथ ऑनर कौन सा, पास विथ ऑनर लाइफ की जो परीक्षा है, प्रैक्टिकल में पास होना है, थियोरी में तो
तोता रटन करने वाले भी बहुत है। क्या कहते हैं उसको, रटने वाले, रट्टू तोता, बस रट लेते हैं कुछ भी, पॉइंट पूछो कहां से भी तुरंत बता देते हैं। वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे मेडिकल में बहुत होता है, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो नए नए डॉक्टर्स आते हैं ना, थियोरी इतनी पावरफुल होती है, उनको कोई भी प्रश्न कभी भी पूछो फटाफट सारे आंसर देते, और पेशेंट सामने आ गया कि पसीने, करना क्या है वही समझ नहीं आता है उसको कुछ भी समझ नहीं आता करना क्या है इसका, कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा, क्योंकि पेशेंट ने थोड़ी किताबें पढ़ी है पेशेंट ने थोड़ी ना पढ़ा है मलेरिया में ये होता है, वो तो अपना ऐसे ऐसे कांप रहा है, उसके तीन चार रिलेटिव से कहते डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, देखो मलेरिया की पूरी ट्रीटमेंट पता है, सब पता है, उसमें क्या होता है वो भी पता है, पर पेशेंट सामने आने के बाद खुद बेहोश ये रहता है। अगला संकल्प बोल कर्म अन्न और संबंध का दोष। अगला हंस अर्थात कंकड़ पत्थर चुगने वाला, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला ये पांच छह हो गए, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना, ना करना, ना होना, ये छह बंदर याद रखना है, और इसको आज क्या करेंगे, 7 बार रिपीट करेंगे मन में कई बार, ये एक सेट है। अगला कोमलता और कमाल। अगला ऑफर, दूसरे, हाँ खाली खुश नहीं होते जाना है, भक्त नहीं बनना है यहाँ पर। बहुत अच्छा, आगे खुद भी आगे जाओ। तो ये आज का ठीक है, तो ये आपको अभी सेम किस पे अप्लाई करना है, ये सारा दूसरी मुरली, कौन सी मुरली है वो, भाई जान, क्या है, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। तो उसमें क्या करेंगे, इधर निशानियां लिखते जाओ और उसका वर्णन इधर लिखते जाओ, इधर निशानी इधर वर्णन, इधर निशानी उधर वर्णन, वो निशानी डायरेक्ट कहीं भी लिखी नहीं रहेगी, निशानी नंबर 1, निशानी नंबर 2, निशानी नंबर 3, ऐसा कहीं नहीं होता है भगवान के लिटरेचर में। भगवान का एक कंटिन्यूअस स्पीच चलता है, उसको आपको पकड़ना होगा कि ये निशानी यहां बताई, और उसी से रिलेटेड पॉइंट पांचवें पैराग्राफ में आता है, फिर 3-4 पैराग्राफ तो इधर उधर का चलता है, फिर पांचवे, तो वहां से उठा के उधर से इधर डालना, इधर से उठा के इधर डालना, ये रॉ है, रॉ मटेरियल वो देता है हमको, कंस्ट्रक्शन करना है उसमें अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये काम करना है आज, इसमें प्यूरिटी की बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने, संकल्प में भी अपवित्रता टच ना हो, वफादार की बात कही है, फरमान बरदार की बात कही है, बाप के संग में रहने की बात कही है, बाकी सारे संग तोड़ने की बात कही है। तो ये सब बातें इस मुरली में आई है, इसको आपको किस मेथड से करना है, इस मेथड से। निगाहें रखा आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के, निगाहें रखा आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के, तू बन जा वो समंदर कर पार सके ना कोई, रखा आग तू ऐसी अंदर ललकार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सच की राह पे राहिया हार कभी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ओम शांति। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के, आसमां पे घुमा दे तू रुख दरिया के, तू बन जा वो समंदर कर पार सके ना कोई, रख आग तू ऐसी अंदर ललकार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, सच की राह पे
जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। ओ जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है तू हिम्मत वो दिखला दे, कि जमाना दे ये तेरी ही मिसालें बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे नकार सके ना कोई, औलाद हो तेरे इरादे ललकार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, सच के पछाड़ सके ना कोई, ओ लहू जो तेरा राजी ललकार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई।